हाथ फेरे भर लू बाहों में मेरे, कह दो ना साथी तुम मेरे। सब गाइस स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। टाइम हो रहा है 10:41 इज द एंड 23rd में डेट इज द एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स समवेयर और द अदर इज द ऑफिस। जा रहा हूँ ऑफिस तो नहीं, एक्चुअली मैं दिक्कत यह है मेरे पास, ऑफिस तो नहीं जा रहा हूँ, ऑफिस में आज बुध पूर्णिमा की मैंने छुट्टी कह रखी थी तो ऑफिस तो नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ कहीं और जा रहा हूँ, मीटिंग है एक। एक्चुअली मैं स्टारबक्स पे जा रहा हूँ, मैं स्टारबक्स में मीटिंग है मेरी एक, बिकॉज ऑफिस में कर नहीं सकता था बिकॉज ऑफिस में छुट्टी थी आज सुबह। एक्चुअली में एक अर्जेंसी में आई कि डील क्लोजर एक, मैंने कहा चलो ठीक है डन करते हैं। Later that same evening. भाई लो पार्सल आ चुका मेरा एंड ये एम्पलीफायर, और अब देखना ये होगा कि एम्पलीफायर जो है हमारा वर्क करता है कि नहीं करता। तो ये डीडी का हेडलाइन क्लास डी एम्पलीफायर ही है। सो ये आया हमारा एम्पलीफायर, सो यही कुछ है और करते हैं इसे, देखते हैं एक बार चेक करते हैं और फिर बताता हूँ मैं आपको। भाई साहब ये देखिए रॉन्ग साइड वाले के चक्कर में साला जाम ही लग गया यहाँ पे, ऐसे ऐसे भाई बहुत ही बड़ा बेवकूफ है यार तू कसम से। देखिए बीच रोड में लगा दी कि भाई लोग ये देखो ना साला बेवकूफ, अनवाय तो बोलने से पीछे भी नहीं हटता, लोग पता नहीं क्यों नहीं बोलते यार ऐसी बेवकूफ गिरी। मतलब तू अपने 10 मिनट बचाने के चक्कर में यूं करके यू टर्न में लेके रॉन्ग साइड आके वहाँ और बीच रोड में बैठा हो रॉन्ग साइड में भी। एक तो चलो होती है कि रॉन्ग साइड वहाँ पे है, तू तो यहीं पे आ गया भाई और तेरी से फिर यू टर्न भी लिया जा रहा। चल तू गोल चक्कर पे घूम ले, यहाँ तो आया नहीं यू टर्न लेने, चल कोई नहीं, बट वहाँ से भी डाल रहा तो कम से कम देख के तो डाल ले, ट्रैफिक तो नहीं आ रहा। तो अभी का टाइम बताएं तो अभी टाइम हो रहा है 5:25 PM एंड वी आर गोइंग समवेयर और द अदर इज द समवेयर और द अदर क्या डी कैथलॉन जाना है। दरअसल में डी कैथलॉन में मैंने ट्रैकिंग शूज़ ऑर्डर करे थे एक तो उस दिन मेरा साइज़ नहीं था अवेलेबल, तो उनका फ़ोन आया दैट ऑर्डर जो आपने किया था वो आ चुका है एंड आप लेने आ जाइए, तो अब मैं लेने जा रहा हूँ वहाँ, और जो उस दिन मैं प्रोडक्ट लेके आया था उसको रिटर्न कराना है। तो ये चीज़ है, रिटर्न कराना है, एक एक्सेप्टेंस लेनी है और टेंट का पूछना है कि टेंट कब तक आएगा, कैंपिंग टेंट। नहीं तो भाई लोग अगर वो नहीं आया ना तो मुझे लगता है कि मैं वही ले लूँगा 10-11 हज़ार वाला, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो और सबसे बेस्ट टेंट है वो। भाई ये स्कूटर पहुँचा तो देगा ना मुझे वहाँ पर, मैं जा तो रहा हूँ, पहुँचा तो देना चाहिए मानो भाई इसको तुम्हें। चलो रीजनरेशन में भी चलते हैं, आज थोड़ी सी रेंज की एंग्जाइटी रहेगी बिकॉज 45 रेंज है इसकी, देखना पड़ेगा मानो भाई देखना पड़ेगा तुम्हें, ये तो रेंज की दिक्कत हो जाएगी बड़ी। डेकैथलॉन देहरादून 9.3 किलोमीटर बचा हुआ है जाने को, चलो भाई अब क्या करें, चलते हैं यहीं से, हाँ से सीधे सीधे चलते हैं, 9.3 किलोमीटर बचा हुआ है, जाना और आना हो ही जाएगा, देखते हैं फिर जो भी होगा, आराम आराम से चलते हैं इसलिए गाइस। ठीक है गाइस, भाई तुझे क्या बताऊँ मैं UP 14 कि मुझे रेंज की एंग्जाइटी हो रही इस समय, रेंज की बड़ी दिक्कत है EV में, अरुण पवार की तरह मैं भी ना फंस जाऊँ कहीं, तुझे मजाक सूझ रही, वैसे भी तू तो बुढ़ा है, गजब बेइज्जती है, तुझे क्या दिक्कत, आराम से जाइयो घर। हाँ भाई तू भी आ जा, तुझे तू तो टैक्सी है भाई, तुझे तो बहुत जल्दी जाना ज़रूरी है, तू जल्दी नहीं जाएगा तो सहारनपुर वाले तो भूखे मर जाएंगे। बड़ा हरामी हो बेटा, इसने नहीं बजाया हॉर्न बिकॉज ही इज़ अ गुड गाय, ही इज़ कैरिंग न्यू कार, 30-35 की स्पीड से ही चलूँगा आज मैं सो दैट हमारी रेंज ठीक रहे, नहीं तो ऐसी दिक्कत हो जाएगी हमें भी किसी और के घर में चार्ज करनी पड़ेगी फिर, अरुण पवार ने जैसे होटलों में और ऑटोमोटिव की क्या हो रहा है यहाँ पर, अबे इसका तो बुरा ही हाल हो रहा है यार, ये देखो गाइस मटका ले लो गाइस, मटके में पानी पी लो गाइस,
भाई इस पंप पंप को तो मैं बताता अगर मेरे पास बैटरी रेंज होती इसमें। अरे भाई आप लोगों को एक बात और बताऊं, इस ईवी स्कूटर ने मेरे घर की 2-3 वायरिंग ही फूंक दी भाई, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही। इसका टायर फूट गया, मतलब पंचर हो गया, और ऊपर से हम चल रहे 30 की स्पीड से, तब तो और गर्मी लगेगी मानो भाई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है मानो भाई, तुम रसीदी रोड नहीं चल सकते, मतलब भाई मैंने किसी पर्पस से छोड़ी है रोड। अंकल नमस्कार। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मानो भाई गाइस आपको एक चीज़ दिखाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब लड़कियां बाइक चला रही होती हैं ना, तो आई लव दैट थिंग कि मतलब लड़की बाइक चला रही है। भाई चले जाना यार जल्दी जा। अरे दीदी भी आगे चली गई तेरे चक्कर में भाई। चलो ऑल द बेस्ट दीदी, ऑल द बेस्ट। आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, और भाई मेरी रेंज की वो देखो ना 45 पे ही शुरू किया था, अभी तक 45 भी है। मैं इतने अच्छे चलाता हूँ क्या ये चीज़ मानो भाई, जब तुम भगाते हो ना पूरे भगाने में आते हो, तब पूरी इतनी गंदी चलाते हो तो मुझे क्या बताएं हम तुम्हें। ये देख स्विफ्ट डिजायर ने कहाँ डाली गाड़ी, पता नहीं कैसे कैसे अक्लमंद हैं, बिल्कुल बेवकूफ नल्ले। अभी वो वहीं खड़ा हो बीच रोड में स्विफ्ट डिजायर लगा के बैठ गया। अबे सो भाई लोग अपन लोग पहुँचने वाले हैं रिस्पना पुल पे, एंड रिस्पना पुल एक बार पहुँच जाते हैं फिर वहाँ से फिर फ्लाई ओवर चढ़ के फिर फ्लाई ओवर इधर के फिर हम पहुँच जाएंगे डीकैथलॉन, यही कुछ है। और सिर में दर्द सा होने लग गया, ये हेलमेट में ना पता नहीं क्या भाई लोग सिर में दर्द सा हो रहा आजकल, एंड बस यही कुछ है भाई। तब आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, वो डीडी ऑडियो का जो पार्सल आया था वो आया था मेरे एक 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 नई कार के लिए। ओके अब कौन सी है वो नई कार, तब तक आप लोग गेस करो और कमेंट करके बताओ। ओके गाइस ओके माना भाई, यहाँ से एयरपोर्ट है 25 किलोमीटर्स, दैट्स अमेजिंग, दैट्स जस्ट वाओ। देखो मैं इतना 7 किलोमीटर्स के आसपास ट्रैवल करके भी आ गया हूँ, और 40 किलोमीटर अभी भी रेंज है, तो यही कुछ है। इसे अगर आराम से चलाओ आप तो ये अच्छा रेंज दे देती है। कितना हॉर्न बजा रहा भाई, और अगर आप इसे थोड़ा सा तेज चलाओगे तो ये कम देती रेंज, इसका यही ड्रामा है। एक बार बंद करके देखूँ इसे, फोर्टी वन की रेंज दिखा रहा हूँ। अब देखो इसे मैं तुम्हें वो दिखाऊँ इसकी टेक्निक न्यूट्रल करने की, न्यूट्रल हो गया अब। ऐसी जगह पे ये न्यूट्रल करने की टेक्निक बड़ी काम आती है, और ये टेक्निक मैंने बहुत सोच समझ के यूज़ करनी पड़ती है बस, बिकॉज आपने थोड़ी सी गलती लापरवाही और थोड़ी सी गलती बरती और कांड हुआ। ओके गाइस ओके माना भाई, वो है हमारी मंजिल, वहाँ है हमें जाना। अभी है ना इसमें ना एक दिक्कत है कि ये ना रुक करके ड्राइव मोड पे डलता है, ऐसे चलते चलते नहीं डल सकता, तो अब ये रुके हम ड्राइव मोड पे डाला, इको एंड ड्राइव पे चली गई, एंड अब हम यहाँ पे वापस आ गए रोड पे। अंदर ही लगाऊँ यार, अंदर ही लगा देता हूँ। वाह बेटा वाह, क्या हो गया आगे। तो भाई लोग अपन का एक और ऑर्डर आ चुका है मानो।
ना भाई, किसको नहीं आ रहा है कतई, ये तो गिरते पड़ते आ रहे हैं जैसे तुम गिरते पड़ते रहते हो यार। तुम कह रहे हो माना भाई, माना भाई तो तुम्हारे माना भाई है। अयो चले जा भाई, क्यों परेशान कर रहा मुझे। चलो भाई, डिकैथलॉन वालों ने आज मुझे डरा दिया था भाई लोग, क्यों कह रहे फ्राइडे है ना आज की। मैंने आज फ्राइडे कहाँ है यार, आज तो थर्सडे। इतना मत डरा हो यार कस्टमर को भाई, हट जाओ कतई। ये ऐसे हेलमेट पता नहीं क्यों टांगते हैं यार साइड में। हाँ तो भाई लोग चलते हैं अपन लोग कहाँ से आउट। मानो भाई आज तुमने अंदर क्यों लगा दी, आज हमने अंदर ऐसी लगा दी थी बिकॉज मैंने कहा चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा पता। मानो भाई इतना गंदा जोक तुम्हारी तरह रहा ये जोक तो। चल भाई आ जा तू भी, एक्टिव भाई चला रहा है हायाबुसा की तरह चला रहा उसे भी। चल भाई टेंट तो अभी भी नहीं मिला इन पे, ये कह रहे हो आप ऑर्डर ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दोगी। अरे अंकल मेरे भाई किस पे बैठ रखा है ये, देख इंडिकेटर दे रखा पीछे वाला, फिर भी टाइगर वाला है वो भाई रेनॉल्ट के ड्राइवर वाला घुसा जा रहा घुसा जा रहा घुसा जा रहा। अंकल जी मुझे भी ले जा लो, मुझे भी ले जा लो, मुझे भी ले जा लो, हाथ मत दे देना, हाथ मत दे देना। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल। ये हुई जम्बात मारा भाई, इसे बोलते हैं किस्मत। तुम्हारी किस्मत जग गई। चलो यार गाइस आगे बढ़ो। अरे सोच रहा भाई मेरे, इतना सोचते नहीं भाई, जब जगह हो तो मिल जानी चाहिए, चले जाना चाहिए। ये तो दिक्कत है आंटी, इतने झटके से जो ब्रेक मारा आपने वही तो दिक्कत। तब तो बड़ी देश में हमारे चली गई क्या ट्रेन, ट्रेन के जाने के बाद कैसे बैठ गए सारे के सारे रेलवे ट्रैक पर। अभी अभी गई क्या ट्रेन। हाँ माना भाई तुम्हारे आने से पहले ही गई होगी। बस मुझे ना आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी स्कूटी ना, मेरा चेतक ना लंगड़ा होकर चल रहा। सच बता रहा इन सबको तो मैं पीछे कर देता बिकॉज मेरा चेतक आज लंगड़ा है मेरा। चलो भाई मानो भाई आ जाओ पावर में, फुल पावर में आ जाओ। हटो ये ऐसे ही मारेंगे, हटो चुप। भाई साहब क्या बैंकर बम बताए कसम से, ये घंटे से इंडिकेटर दे रखा तब नहीं मोड़ रहा, जब मैं पहुंच गया तब मोड़ रहा। अरे फर्नीचर, इससे बड़ा फर्नीचर खड़ा हुआ मेरे घर में। अरे भाई अरे तू क्या चला रहा भाई, इतनी देर में इस जहाज को पहुंचा देता मैं कहीं का कहीं। वो भाई 35 होगी सीधा। कोई नहीं माना भाई, घर तो पहुँचा ही देगा ये तुम्हें, तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने देगा। हाँ मानो भाई मेरे को तो इधर जाना है भाई, तभी तो आया मैं उधर से, नहीं तो मैं वहीं पीछे रुक जाता। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भाई ऐसे होते हैं जो मैंने कहा ना भी वो वर्ड, वो ऐसे होते हैं। कॉर्नेट रखा हुआ है गाइस यार, इतने बड़ा कुछ बना रहे जो भी बना रहे हैं, इसमें बैंकर लोहे की विंडोज लगा रहे, हद होगी यार। कितना कितने वैसे हो गए लोग इतना, और जो भी बना रहे एक्स वाई जेड लोहे की विंडोज कौन लगाता यार घरों में। चल रहा भाई तुझे क्या बताऊँ अपनी दास्तान, दिल की दिल का दुख दर्द मैंने थोड़ी सी भी भगाई तो ये 32 से 22 पे आ जाएगा। पहले इस गाड़ी का साइलेंसर ठीक करा भाई, तब चला इसे रोड पे। नॉइज़ पोल्यूशन कर रहा है यहाँ, नॉइज़ पोल्यूशन के साथ साथ एयर पोल्यूशन भी कर रहा होगा ये तो इस समय। सो गाइस कहीं से नहीं, हम यहीं कहीं से कुछ खा लेंगे अच्छा सा जो हमारे पेट को भी भर दे,
और हमारी ऑफिस सुपर। हाँ मजा आ गया भाई, देखिए एक तो फोन में बात कर रहा है, एक हेलमेट नहीं है ऊपर से लगा हुआ। चलो भाई लोग अब घर की तरफ चलते हैं, थोड़ी देर में करता हूँ एंड व्लॉग ऊपर चढ़ के, थोड़ा सा ऐसे ऊपर चढ़ दूंगा ना तब करूँगा व्लॉग एंड। ओके गाइस, ओके। सो भाई लोग अपन पहुँच गए हैं जाखन, और यहाँ पे जाम क्यों लग गया यार इतना, माना भाई कितने नोटी हो यार तुम। तो अब जाखन पहुँच गए और अब चल रहे हैं घर। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है भाई। यहीं तक जा रहा भाई मैं। सो अब क्योंकि हम जाखन पहुंच गए हैं और हम चल रहे हैं घर की तरफ, तो आई होप मुझे ये व्लॉग एंड कर देना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से कल शाम 7 बजे एक नए और ताज़े व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।